के ध्यान सपनों की उड़ान। चार सबसे बड़े मूर्ख। एक दिन दरबार में राजसिंह कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें एक महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुलाजिम ही। उनका हर हुक्म मानना बीरबल का फर्ज था। वह तुरंत चार मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। एक महीना पूरा होने के बाद वह दो व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब दो व्यक्तियों पर पड़ी तो वह बिखर गए। बीरबल, ये क्या, तुम दो ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने एक महीने का वक्त तुम्हें चार मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुन अकबर का गुस्सा ठंडा हुआ। जहांपना, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा, हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। फिर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो यह कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहांपना, यह आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि यह अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहाँ घास खा सके। घास काट कर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफाना है। अब बाकी के दो मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले, हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। बीरबल बोला, कहाँ बीरबल, हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल सिर झुकाकर बोला, हाँ, अब देखिए मुझ पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं एक महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ।
यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन आप सबको दरकिनार कर एक महीने से मुझसे चार मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफिजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफी कीमती वक्त बर्बाद कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किड्यार, सपनों की उड़ान।